लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश और सभी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों को भी अखिलेश ने भंग करने का फैसला किया है। अखिलेश ने ऐलान किया कि सिर्फ प्रदेश के नरेश उत्तम पटेल ही अपने पद पर बने रहेंगे। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। पार्टी में लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के बाद से ही मंथन जारी है और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से मुलाकात कर गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को और गर्म कर दिया है। सपा मुख्यालय पर दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बातचीत हुई। अटकलें लगाई जा रही कि सूबे में होने वाले आगामी उपचुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। जानकारों की माने तो अनिल राजभर को प्रमोट कर योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से भी ओम प्रकाश राजभर परेशान हैं। यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से आगे की रणनीति पर चर्चा की है ताकि अपने राजभर वोट में सेंध लगने से रोका जा सके। वहीं अखिलेश से मुलाकात के बाद राजभर ने कैबिनेट विस्तार पर योगी सरकार को घेरा है। और जो मंत्री बनाए गए हैं तो ये डेढ़ साल से मंत्री का मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा था। शुद्ध रूप से पिछड़ों को, दलितों को गुमराह करने के लिए, उनके वोट को लेने के लिए ये मंत्रिमंडल में लोगों को बनाया जाता है। जाति, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जातिवाद नहीं करते, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जाति खोज खोज करके मंत्री बनाया कि इस जाति का मंत्री बना देंगे तो इस जाति का वोट हमारे पा लेंगे। ये आपने मंत्रिमंडल में देखा होगा कि फोकस। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से गठबंधन तोड़ अकेले मैदान में उतरने वाले ओम प्रकाश राजभर सूबे की 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल में कुछ ऐसी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे जहां ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा का प्रभाव है। ऐसे में गठबंधन होने से दोनों पार्टियों को उपचुनाव में फायदा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।